तो न्यूज 24 पर ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट के तहत बहुत बड़ा और बहुत ही आवश्यक खुलासा लगातार जारी है। अब तक हमने आपको दो पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाई है, अब आपके सामने तीसरा केस आने जा रहा है और इस बार इन दानवों का शिकार एक नामी डॉक्टर हुआ है और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आप देख रहे हैं कि वीडियो कॉल के जाल में किस तरीके से किस कदर लोग फंसते जा रहे हैं और दिल्ली का ट्रांसपोर्टर फंसा, फिर एक मेडिकल स्टूडेंट फंसा और फिर इस जाल में एक डॉक्टर भी फंस गया। साजिश का तीसरा शिकार दिल्ली का एक बड़ा डॉक्टर। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 25 मई को डॉक्टर को पहली बार लड़की की तरफ से मैसेज मिला, फिर बातचीत का सिलसिला व्हाट्सएप चैट पर शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड में बात वीडियो कॉल तक पहुंच गई। हाय, कॉल, प्लीज कॉल करो, करो ना आप कॉल। इसके बाद डॉक्टर को वीडियो कॉल किया गया। वीडियो कॉल में एक लड़की अश्लील हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन डॉक्टर इस वीडियो कॉल के पीछे का खेल नहीं समझ सके। फिर डॉक्टर के साथ भी वही हुआ जो बाकी पीड़ितों के साथ हुआ था, यानी इनके साथ भी सेक्सटॉर्शन का गंदा खेल शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले कौन है, कैसे वो चंद सेकंड्स में कई किलोमीटर दूर बैठकर गुनाह को अंजाम दे रहे हैं, कैसे वो किसी अनजान शख्स को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, क्यों कोई पीड़ित ऑनलाइन पेमेंट करने को तैयार हो जाता है, आगे सब बताएंगे। साथ ही हम उस गुप्त लोक का भी खुलासा करने वाले हैं जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग का गढ़ बन चुका है। कैमरामैन कलीकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24। वर्चुअली लोगों को फंसाया जा रहा है, उनकी जिंदगी तबाह, उन्हें ब्लैकमेल करने का एक बहुत ही बड़ा और ये नायाब तरीका खोजा है और व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कैसे ये भांप लेते हैं, कैसे ये जान लेते हैं, ये भी खुलासा आज हम करने वाले हैं। तो आपने तीन केस देखे हैं अब तक। अगर कोई दर्शक हमसे और हमारे इस खुलासे के साथ देरी से जुड़े हैं तो हम उन्हें फिर से अब तक हुए खुलासे का एक रीकैप दिखाते हैं और इसके लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी सऊद के पास, जो रीकैप के साथ दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ओवर टू यू सऊद जी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी तक आपने इस ऑपरेशन में क्या क्या देखा। दरअसल वीडियो कॉल का ये जाल कैसे बिछाया जाता है वो समझिए। सबसे पहले फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, लड़की देख करके शख्स उसे जल्दबाजी में एक्सेप्ट कर लेता है, लड़की उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका व्हाट्सएप नंबर ले लेती है, उसके बाद आती है एक वीडियो कॉल और यही वीडियो कॉल उस शख्स के लिए काल बन जाता है। जी हां, क्योंकि वीडियो कॉल में लड़की अश्लील हरकतें करती है, यही उस शख्स का चेहरा भी साथ में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का ये गोरख धंधा। वीडियो कॉल के जाल में कौन कौन फंसा है अब वो भी देखिए। एक ट्रांसपोर्टर, एक मेडिकल स्टूडेंट, एक नामी डॉक्टर, सभी पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट से लेकर के डॉक्टर और कारोबारी तक, इस जाल में हर कोई फंस सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और सावधान आपको करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए न्यूज 24 इतनी मेहनत करके, कई किलोमीटर चल के इन्वेस्टिगेट करके ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट आपके लिए लेकर आया है, ताकि आज अभी इसी वक्त इस शो के जरिए आप हमेशा अपनों के लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए सतर्क और सावधान हो जाएं, इस जाल से आप बच पाएं। इसीलिए आज ये ऑपरेशन को अंजाम हम दे रहे हैं। तो अब तक आपने देखा कि ट्रांसपोर्टर, स्टूडेंट, नामी डॉक्टर, ये इस जाल में फंस चुके हैं, इस जाल में फंस चुके हैं क्योंकि उनको निकलने का तरीका नहीं पता था। रणवीर सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। ये बहुत अमूमन सी बात है सर, सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हमें रिक्वेस्ट आती है और हम एक इंसानियत के नाते एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इसका अंदाजा नहीं होता है, अंदाजा नहीं हो पाता है कि अगला कदम यह हो सकता है
कैसे पता करें, कैसे इस चालाक चाल से बचें लोग, सवाल ये है। अब देखिए मैम, इसके दो तीन तरीके हैं। पहले तो कानूनी तरीका, जैसे साइबर क्राइम वाले बोल रहे हैं या इधर हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई इस प्रकार की कंप्लेंट है तो बच्चे या जो भी कंप्लेंट है उसका अपने डर उसे निकालना पड़ेगा। अगर डर नहीं निकालेगा और बदनामी के चक्कर में पड़ा रहेगा तो हर हालत से उसे बार बार ब्लैकमेलिंग होती रहेगी। नो, रणवीर सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो ये है कि नॉर्मल मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना आम बात है और लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, आपने भी की होगी, हमने भी की है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये घातक कॉल है, हमारी जिंदगी तबाह कर देगी, एक चाल है ये, उसमें हमें कैसे सावधान रहना है? उसे सावधान रहने के आपके पास दो तीन फार्मूले सिंपल से हैं। जब आदमी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो एक तो नॉर्मली हम गूगल पे जाके उसके बारे में जान सकते हैं कि ये आदमी कौन है, ये आदमी फेक है सही है। जो आदमी सही आईडी लेकर के अपनी कॉल करेगा तो उससे पता चल जाए। नंबर दो, जो आदमी हरकत कर रहा है उस हरकत में पहली हरकत से उसको वीडियो कॉल में पता चल जाना चाहिए कि भी ये कोई गलत आदमी है जो इस प्रकार की हरकत में आ रहा है, तो उसको वहीं पे उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तीसरी, इस प्रकार के जो गैंग है हमारे पुलिस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हम पुलिस में आमतौर पे आप लोगों को गजट के थ्रू इन्फॉर्मेशन भिजवाते रहते हैं कि भी आप लोग ऐसे गैंगों से सावधान रहिए जो इस प्रकार की फेक आईडी बना करके फेक तरीके से आपसे बात करते हैं या वीडियो कॉल कर। अगर फिर भी आदमी अलर्ट नहीं होता है फिर उसका सिंपल तरीका उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो करना ही करना पड़ेगा। जब तक वो रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी तफ्तीश का काम आगे नहीं होगा। और मैंने लास्ट में ये भी बताया कि भी इस केसेस के अंदर हमारी प्रायोरिटी बहुत कम होती है क्योंकि ये एक ऐसे पेटी ऑफेंसेस हैं जो आमतौर पर समाज में होते रहते हैं और इन पेटी ऑफेंसेस में ब्लैक मार्केटिंग भी ब्लैक मेलिंग भी होती रहती है। तो इस ब्लैक मेलिंग के लिए क्योंकि पुलिस की प्रायोरिटी लूट डकैती हत्या के ऊपर ज्यादा होती है तो ऐसे केसेस में कंप्लेनेंट को छुपाने की जरूरत नहीं। अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले, अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंस में ले और उनको कॉल कर ले। तीसरा एक लास्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो इस प्रकार की कॉल आई है किसी तीसरे कॉल को साथ में लेकर के अपने दोस्त के थ्रू या घर वालों के थ्रू उसे चैटिंग करवाएं, चैटिंग से उसको और भी क्लियर हो जाएगा भाई ये फ्रॉड लोग। ठीक है, नहीं रणवीर सर, ये जो आपने बात कही ये मैं आगे समझूंगी, लेकिन जो अभी पवन दुग्गल साहब जो कह के गए साइबर एक्सपर्ट के, आपने खुद कहा कि पुलिस की प्रायोरिटी में ये नहीं है तो एक ये बड़ा कारण हो सकता है मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। मैं इस पर डिस्कस करूंगी, आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन रितंभरा जी आपके पास फिर मैं आ रही हूं। आप कह रही हैं कि कई केसेस आए हैं इस तरीके के आपके पास, उसमें किस तरीके का एक्शन हुआ है? जी देखिए, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो साइबर क्राइम है ये एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और सिर्फ नेटवर्क ही शामिल है। इसी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट आती है हमारे पास आती है, हम उसको साइबर सेल में ले जाते हैं। अब साइबर सेल की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, अभी जो हमारे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि वहां पे कंप्लेंट तो हो जाती है लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उसको रनिंग में आए तो वो चीजें नहीं है। हालांकि साइबर सेल अलग से बना हुआ है और वहां ऑफिसर्स जो उनकी टीम है वो नेटवर्क से संबंधित, अब ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि जो वहां पे शिकायतें आती हैं उसको वहां पे जैसे कि जो गंभीर धाराओं में अपराध होते हैं वो तो संबंधित थाने बने हुए हैं। साइबर क्राइम ही सिर्फ साइबर क्राइम के लिए बना है तो वहां पुलिस क्यों डिले करती है, एक प्रश्न मेरा ये है पुलिस वालों से, क्योंकि वहां पे उनको इसी के लिए बैठाया गया है, एक इकाई बनाई गई है साइबर सेल की कि वो उससे संबंधित जो अपराध आते हैं। सकती है कि इस वजह से लोग नहीं जा पाते पुलिस के पास क्योंकि सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि टेक्निकली एविडेंस नहीं है लेकिन पुलिस को सीरियसली लेना होगा कि कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं इस वजह से। मैं रणवीर सर आपसे जवाब लूंगी लेकिन डॉक्टर निशा आपके पास आ रही हूं, मैं एक बच्चे की बात करना चाहूंगी जो 16 साल का है, अभी उसका फ्यूचर उसके सामने और फंस गया वो इस माया जाल में, अब वो कहां जाए, उसके आगे रास्ता क्या बचता है, इन बच्चों को आप कैसे संभालती हैं उस वक्त? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है
तो जैसे आपने बोला, सर ने भी बोला कि मैं बोलती हूँ फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर, आई रिमेम्बर वन पर्टिकुलर क्लाइंट केस वेयर बच्चे ने न्यूड शूट करवाया था, फोटोशूट, एंड बिकॉज शी वांट टू बी ए वेरी बॉड माइंडेड, एंड उसके बाद उसको डर लगने लगा कि अगर मेरा ये शूट अपलोड हो गया तो, बिकॉज दिस शूट वॉज बाय ए प्रोफेशनल, तो मैंने उसको बोला कि आप रिटर्न में एक मैसेज ले लीजिए कि ये पर्सन आपकी परमिशन के बिना इसे कहीं अपलोड नहीं कर पाएगा. और जैसा कि मैंने कहा, और सिर्फ इसी बात पे क्राइम नहीं होते हैं कि आपने चैटिंग करी है या आपने कॉल को एक्सेप्ट किया है, इस तरह भी क्राइम होते हैं अगर लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया, तो उस रिजेक्शन को ना ले पाने की वजह से लड़के के मन में अगर सेक्सुअल अर्जेस है तो वो लड़का ऑनलाइन जाकर डिफरेंट आईडीज बनाकर भी लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं. इवन सिर्फ इतना ही नहीं, उनको डिफरेंट नंबर से कॉल्स करते हैं, सेक्सुअल वीडियोस भेजते हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कॉल उठा रहा है और कॉल उठा के जो एक्सेप्ट कर रहा है और अपना फेस दिखा रहा है वो ही सेक्सुअल क्राइम का शिकार हो रहा है. सेक्सुअल क्राइम का शिकार और साइबर क्राइम का शिकार वो लड़कियां, वो आदमी भी हो रहे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, किसी लड़के या लड़की को मना भी कर देते हैं और उस रिजेक्शन को वो नहीं ले पाते हैं, उसके बावजूद भी वो उसे टॉर्चर करने के लिए डिफरेंट नंबर से, क्योंकि आजकल बहुत सारी वर्चुअल एप्स अवेलेबल है, आपके मोबाइल में एप्स डाउनलोड कर लीजिए, आप ही का नंबर डिफरेंट अब्रॉड के नंबर से आ जाएगा, आप ही का नंबर, आप अपने नाम पर 7 से 10 आईडीज ले सकते हैं. तो आपके घर में नौकर है, आप चलते फिरते किसी के भी व्हाट्सएप से किसी को मैसेज कर देंगे. तो आप समझने की कोशिश करिए, सिर्फ साइबर क्राइम सिर्फ ये नहीं है कि कोई सेक्सुअली आपको हरास कर रहा है, अगर आप किसी को मना भी कर रहे हैं सेक्स करने के लिए तो भी आपको सेक्सुअल वीडियोस भेजकर या आपको धमकी देकर, इवन किसी प्रोफेशनल के वीडियोस को सेक्सुअल वेबसाइट्स पर डालकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है. तो ऐसे में मेरा ये मानना है, अगर आप एक पर्टिकुलर मुकाम पर हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है, पहली चीज कंप्लेंट करिए, पुलिस में कंप्लेंट करिए, साइबर सेल में कंप्लेंट करिए. और अब पुलिस तो सीरियसली नहीं ले रही है. डॉक्टर निशा से हम बात करेंगे, मैं आ रही हूं डॉक्टर निशा. लेकिन सर, रणवीर सर, ये आपको लगता नहीं है चिंताजनक है? सर आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि ये क्राइम को हल्के में लेना कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है. क्या इस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और शायद इसी वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं पुलिस तक? नहीं, बिल्कुल सही है मैम, कि हर हालत से हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए. और साइबर जो सेल हमारा है, जो भी आईटी सेल है, वो इसको सीरियसली लेता है. लेकिन मैंने बताया कि जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है, और हमारा जो साइबर सेल है, एक तो कंप्लेनेंट की बहुत ज्यादा डील होती है, वो पूरे फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दे पाता है. दूसरा जो हमारा साइबर सेल है, उसके पास लूट के, डकैती के, किडनैपिंग के, बहुत सारे साइबर क्राइम के जो केस हैं वहां इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी एक किस्म की बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई होती है, और कई केसेस बड़े सीरियस टाइप में भी होते हैं. तो वो साइबर सेल अब जिला पुलिस कप्तान के ऊपर रहता है या वहां के एसएचओ के ऊपर रहता है, वो कितना कितना ध्यान रखता है. एक पुलिस में सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे पास फोर्स की बहुत कमी है, इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है. हम बार बार डीजी लेवल पे और कॉन्फ्रेंस लेवल पे, टीम लेवल पे, आगे होम मिनिस्टर लेवल पे बात करते हैं कि भी पुलिस को इन्फोर्समेंट दे. सबसे पहले तो उनका पर्सनल जो सिस्टम है, ड्यूटी सिस्टम है, उसको पूरा करिए. एक एक मुलाजिम को 12-12 से 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है. जो साइबर सेल का मुलाजिम है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, और उसका स्टाफ बहुत कम है, उसके पास इक्विपमेंट बहुत कम है, उसके पास ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, उसके पास वायरलेस सेल के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत, वो कई सारी कमियां हैं. लेकिन फिर भी ये क्राइम ऐसा है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए. और आपने सही दरकिनार नहीं कर सकते सर. देखिए, जिसमें हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, इसमें तो इंसान तबाह हो रहा है, उसके पास बच क्या रहा है? जिसमें शर्म है, हया है, उसके बीवी बच्चे भी हैं, और यंग जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका तो फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है. आप सोचिए ना, किस बारे में पुलिस सोच तक नहीं रही है ठीक से. ये सबसे बड़ा क्राइम है, पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है इसमें. मैं मान रहा हूं इस बात को, लिए पूरी जिंदगी उनकी लग जाती है. लेकिन अगर ये 2-3 अगर वो मदद करेंगे तो पुलिस भी एक्टिव होगी. मैं कह रहा हूं, एक तो मुद्दई और उसके घर वालों को, उसको अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंस में लेके सबसे पहले साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट दें, और कंप्लेंट देने के साथ में पुलिस की इमदाद करनी पड़ेगी उसको. जब तक वो पुलिस की इमदाद निकले भी, कौन कौन से नंबर से आए, कौन कौन सी रिकॉर्डिंग उसके पास आई, कौन कौन से आईडी उसके पास आई, वो जो तफ्तीश का हिस्सा है
सर इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, मैं बताऊंगी आपको, ये आगे बढ़ा रहे हैं हम शो को, लेकिन स्पीच तो आपने अब तक तीन मामले देखे हैं, तीन केस देखे हैं, अब ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर ब्लैकमेलिंग का ये नया नेक्सस कैसे चल रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम करता है, ब्लैकमेलर्स बड़े और पढ़े लोगों को शिकार कैसे बनाते हैं, इनका मॉडल क्या है, जब आप वसूली का इनका मॉडल जानेंगे, तह तक जाएंगे, तभी बचेंगे, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। इसीलिए आज हम हकीकत जड़ से आपको दिखा रहे हैं, देखिए सुनिए और समझिए, और इतना ही नहीं है, आखिर में होगा बड़ा धमाका जो हिलाएगा आपको। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया जिससे समाज के बड़े तबके का जुड़ाव है, लाखों करोड़ों लोगों की निजी जानकारी सोशल मीडिया में बिखरी पड़ी है, इसी जानकारी का इस्तेमाल नए तरीके से अपराध को अंजाम देने में किया जा रहा है, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का गेम भी सोशल मीडिया के जरिए ही हो रहा है। शुरुआत फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से होती है, फिर चैट पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किए जाते हैं, इसके बाद वीडियो कॉल का सिलसिला और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि सामने वाला ब्लैकमेलर की साजिश को आसानी से समझ ही नहीं पाता, लेकिन आज न्यूज 24 देश के इन दानवों के चेहरे पर पड़ा नकाब नोच फेंकेगा। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने पीड़ितों से बात की, उनके साथ हुए घटनाक्रम को बारीकी से समझा, इससे साफ हुआ कि सभी पीड़ितों को सोशल मीडिया के जरिए ही फंसाया गया था। इसकी शुरुआत फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से हुई थी। पहले लड़की के फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, लड़की देखकर जल्दीबाजी में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद मैसेंजर पर चैटिंग शुरू होती है, इसी दौरान एक दूसरे से व्हाट्सएप नंबर शेयर किए जाते हैं। उन्होंने एक नया तरीका सेक्स एक्सट्रोशन का शुरू किया है, उसमें ये स्पेशली क्या करते हैं कि लड़कियों की फेसबुक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू यंग लड़कों को स्पेशली दूसरी स्टेट्स में उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर और फिर उनसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करते हैं। तो वीडियो कॉल के माध्यम से बेसिकली ये दो फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके का है कि एक फ़ोन में न्यूड क्लिप चलाते हैं और दूसरे फ़ोन से उसके साथ वीडियो कॉल करते हैं, तो वो उस बंदे की क्लिप बन जाती है। एक बार व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो शिकार को जाल में फंसाना इस सिंडिकेट के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए पहले मैसेज भेजे जाते हैं। इन मैसेजेस से ब्लैकमेलर लड़की लड़के के बारे में जानकारी हासिल करती है, इसके बाद लड़के को वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसे गिरफ्तार हुए एक आरोपी से समझिए। फेसबुक पे तो हम वीडियो बनाते नहीं है, अगर हम फेसबुक पे भी वीडियो बन जाती है, अगर फेसबुक पे वीडियो बना लेंगे तो उसको फिर वीडियो सेंड कैसे करेंगे, मैसेंजर पे तो ऑफलाइन हो जाएगा, व्हाट्सएप पे तो कभी भी उसको बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो इसलिए उसका नंबर व्हाट्सएप हमारे पास होना जरूरी है। इस सिंडिकेट में शामिल लड़की शिकार को फंसाने के लिए उसके पास वीडियो कॉल करती है, जैसे ही कोई युवक कॉल रिसीव करता है तो वीडियो में लड़की अश्लील हरकतें करने लगती है। वीडियो कॉल के दौरान पूरी कोशिश होती है कि युवक का चेहरा साफ साफ दिखाई दे, अगर किसी ने मास्क लगाया हुआ है तो उसे मास्क हटाने के लिए बार बार कहा जाता है। हेलो, हाँ बोलो, अपना मास्क उतारो। आप कहाँ बैठे हो, आपको दिख रहा है? पहले आप अपना मास्क उतारो। इतना उतार अपना मास्क उतार कर अपना फेस दिखाओ, मैं तो दिखाई दूंगा आपको। अब तो पहले किसी युवक को फंसाने के लिए सिंडिकेट के लिए जरूरी है कि वीडियो कॉल के दौरान उसका चेहरा दिखाई दे। लड़की करीब दो मिनट तक अश्लील हरकतें करती है, फिर अचानक कॉल कट जाता है। ऐसा पहले से तय प्लान के मुताबिक किया जाता है।
जैसे उसकी वीडियो बन जाती है कॉल डिस्कनेक्ट, 2 मिनट या 2.5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उससे बोल दे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मैं बिजी हूँ, मम्मी आ गई, सो भी वो बोल देते हैं, उसके बाद वो एग्री हो जाता है ओके, फिर 1-2 मिनट में उसको वीडियो उसकी भेज देते हैं रिटर्न। सही सुना आपने, इसी के बाद असली खेल होता है और युवक बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास 2 मिनट का जो वीडियो भेजा गया होता है उसमें युवक अश्लील हरकतें कर रहा होता है, जबकि उसने असल में ऐसा नहीं किया होता, बस वीडियो को देखकर युवक घबरा जाता है और यहीं से जबरन वसूली का गैर कानूनी और गंदा धंधा शुरू होता है। जैसे उसको उसकी वीडियो उसके पास जाती है, हम उससे पूछते हैं डिलीट करवानी है वायरल करवानी है, अगर वो डिलीट के लिए बोलता है तो उससे डिलीट चार्ज मांगते हैं, वो पूछता है कितना, हमने एग्जांपल 10,000 मांग लिया तो वो 10,000 के लिए तो एग्री होगा नहीं कभी भी, वो बोलेगा मेरे पास 1,000 है 500 है, फिर हम उस पर एग्री नहीं होंगे, मुझे इतने नहीं चाहिए इतने ही चाहिए, फिर वो अगर हमने 10,000 वो एग्री हो गया पैसे देने के लिए तो 10 में से हाफ पेमेंट तो कर ही देता है। इसी के बाद युवक को बदनामी का डर दिखाया जाता है, उसके अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती है, परिवार और फेसबुक फ्रेंड्स को वीडियो भेजने की धमकी दी जाती है, बस यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और बदनामी से बचने के लिए पैसा देने को राजी हो जाते हैं। सभी देखेंगे आपकी वीडियो को। मैम अपलोड मत करिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता, पेमेंट तो आज करना ही होगा, अगर डिलीट करवानी है तो नहीं, मैं आपके लिए 1,000 रुपये और कम कर सकती हूँ, 2,000 कर दो लास्ट है, इसके बाद नहीं तो अभी वायरल कर रही तो आपको पता ही चल जाएगा, तुम रहने दो। मैम नहीं हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है पैसे की, तो जब आप देख लो तब वायरल कर रही हूँ इसको आज इंडिया, और आपकी फैमिली वाले भी देखेंगे, सब भी देखेंगे आपकी वीडियो को, जब आपको पता चलेगा ना जी क्या होती है, जब पता चलेगा आपको, आप पैसे अगर आपकी इज्जत आपके हाथ में, अगर डिलीट करवानी है तो पेमेंट करना होगा, चाहे अपने पापा से लो चाहे किसी से लो, मुझे पेमेंट करना होगा। मैम नहीं हो पाएगा, मैं पापा से तो नहीं मांग सकता पैसे, तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा, मैं वायरल कर रही हूँ ओके रहने दो, मुझसे भी नहीं हो पाएगा डिलीट, मैं वायरल करती हूँ ऑल इंडिया अपलोड कर रही हूँ। ठीक है कर दीजिए आप, हाँ ऑल इंडिया वायरल कर, आपको पता चलेगा और आपके फेसबुक फ्रेंडों के पास डाल दूंगी आपकी वीडियो को। ठीक है मैम डाल दीजिए, आपको क्या बताऊँ, पैसे नहीं तो मजबूरी है ना हमारी, डाल दीजिए आप। और मेरे किसी से भी करो, चाहे किसी से बोलो। मैम कहीं से नहीं हो पा रहा ना, होता तो मैं कर ही देता आपके लिए, वो हो ही नहीं रहा कहीं से भी, मेरे पास भी नहीं है। तो कब करोगे ये बताओ। मैम अभी तो नहीं है, मुश्किल ही हो करोगे, मुश्किल ही हो पाएगा मैम, कभी मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा। कब करोगे ये बोल रही हूँ, कब करोगे। नहीं हो पाएगा मैम, नहीं हो पाएगा तो रहने दो फिर। मैम अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो मैं करवा देता कहीं ना कहीं से, अब लॉकडाउन चला तो कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं हो रहा ना, रहने दो तो फिर। ठीक है मैम ओके, वायरल कर रही हूँ अभी और आपके फेसबुक फ्रेंडों के ऑल इंडिया वायरल कर रही हूँ अपलोड। ठीक है मैम कर दीजिए आप ओके। एक बार कोई इनके चंगुल में फंस जाए तो उसका शिकार आखिर तक पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके पास फर्जी तरीके से बनाया गया अश्लील वीडियो होता है जिसे वायरल करने की धमकी दी जाती है। फैमिली मेंबर्स या आपके ऑफिस के कलीग्स को हम भेज देंगे जिससे आपकी सोशल इमेज को लॉस होगा और आपकी कुछ प्रोफेशनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल जॉब में भी इसका कुछ फर्क आ सकता है, जिसके डर के चलते वो विक्टिम उन लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, और एक बार अगर पैसे देने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो साइबर अपराधी उन्हें काफी लंबे टाइम तक ब्लैकमेल करते रहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़े जाने का डर इसीलिए नहीं होता क्योंकि जिस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल किया जाता है उसकी सिम कार्ड फर्जी एड्रेस पर रजिस्टर होती है, चोरी की होती है, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी फेक होते हैं। इस तरह के अपराध को अंजाम देने के लिए साइबर अपराधी सबसे पहले फेक सिम कार्ड या फिर वर्चुअल नंबर की हेल्प से फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट किसी लड़की के नाम पर होता है
और उस पर प्रोफाइल फ़ोटो भी किसी लड़की की लगी होती है। उसके बाद टारगेट ढूंढने के लिए वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन मैरिज वेबसाइट्स की हेल्प लेते हैं। सेक्सटॉर्शन का ये गंदा खेल बड़े ही शातिर तरीके से खेला जा रहा है, क्योंकि किसी भी पीड़ित से एक मुश्त मोटी रकम नहीं मांगी जाती। शुरुआत 5 या 10 हजार रुपए से होती है, फिर पीड़ित के साथ मोल भाव शुरू होता है और 1 हजार रुपए तक वसूलने के लिए गैंग तैयार हो जाता है। ज्यादातर पीड़ितों को लगता है कि कम पैसे देने हैं, इसीलिए वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और पुलिस के पास जाने से कतराने लगते हैं। और यही होती है सबसे बड़ी भूल, क्योंकि वीडियो डिलीट करने के नाम पर लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहता है और पीड़ित हमेशा के लिए दर की दरिया में डूब जाता है। हर वक्त घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाता है। कैमरामैन कलिकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24। ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट में आपने देखा इस वीडियो को और सुना भी। ये मात्र 102 मिनट का खेल होता है जिसमें लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है और उसी पर उनका वीडियो कैप्चर कर लिया जाता है और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये सौदा कोई सब्जी भाजी का नहीं है, ये जाल में फंसाने वाले लोग, ये शातिर लोग उनकी जिंदगी का सौदा करते हैं और जो फंस जाता है उसको तड़प तड़प कर कैसे ये वहां पर उनको मरने के लिए मजबूर करते हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट आलोक गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट में। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जो पीड़ित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे, आपके पास वो पूरी चैट अभी मौजूद है, मैं चाह रही हूं कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे आप नहीं समझ पाए अब तक चैट में क्या क्या रिप्लाई आपकी तरफ, उनकी तरफ से आया और आपकी तरफ से क्या क्या लिखा गया, ये जरा मुझे पढ़कर बताइए। पहले तो रात को मेरे को जब मैसेज आया तो उसमें बोला गया कि आप वीडियो कॉल करो। रात को कितने बजे? रात को संडे के दिन करीबन 10:15-10:30 के बीच का टाइम था। तो जब मैंने अननोन नंबर था, मैं देखता हूँ किसी जानकार का ना हो, तो मैंने वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल करते ही वो अश्लील वीडियो दिखाने लगे मेरे को। तो जब मैं देखता रहा, मैं सोचा पता नहीं कौन है, मैंने एकदम से उनको हटा दिया। फिर उसके जस्ट ही 1 से 2 मिनट बाद मेरे को वही क्लिप मेरे को वापस भेजी गई और कहा गया कि आपका वीडियो फेसबुक पे, इन सब पे हम वायरल कर देंगे। तो इतने में कैप्चर कर लिया आपका वीडियो, इतनी देर में? इतनी देर में। ओके। फिर मैंने उनको ये चीज मैंने बोला कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने रात को उनको फिर हटा दिया मैंने। फिर मेरे को नेक्स्ट मंडे के दिन सुबह 9:35-40 के आसपास कॉल आई एक नए नंबर से। तो मेरे को उस पर बोला गया कि ये आपका वीडियो ऐसे ऐसे कल हमारे पास आया है और हम साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपका वीडियो हम वायरल कर देंगे अगर आप हमारे को इतने इतने पैसे नहीं देंगे। तो मेरे को उन्होंने 3100 रुपये की पहले तो रात को डिमांड करी थी, तो मैंने नहीं सुनी। फिर उन्होंने कल मेरे को सुबह कॉल करी, कॉल करने के बाद मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर फिर मेरे से चैट करके बोले कि मैं ये बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी, मैंने बोला कि आप लगता है कोई और हो, झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने मेरे को एक फेक आईडी मेरे को व्हाट्सएप करी कि मैं ये आदमी हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने बार बार मेरे को पैसे की डिमांड करते रहे, मैंने मना करा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बोलो फास्ट बोलो, करना है कि नहीं, अगर नहीं करोगे तो हम आपका केस फाइल कर रहे हैं साइबर क्राइम ब्रांच से, आपको 4 साल की सजा हो जाएगी, 5 लाख का आपका जुर्माना हो जाएगा अगर नहीं करते हैं। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि घर पे जाके किसी को बताऊं। फिर मैं घर पे जाके मैंने एक हमारे जानकार है उनको बताई ये बात कि ऐसी ऐसी बात है। ओके, ठीक है, आपने एक जानकार को बताई, चलिए इतनी हिम्मत आपने दिखाई। और जो रणवीर सर आप कह रहे हैं वही इस बच्चे ने किया है, वही किया है कि ये डरा नहीं, इसने अपने रिलेटिव को जाके एक्सप्लेन किया, बताया उनको कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। खैर, आगे मैं इससे और जानूंगी कि आगे, क्योंकि ऐसी हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पा रहा है, जुटानी बहुत जरूरी है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कई लोग जाल में फंस जाते हैं, कई लोग हिम्मत दिखाते हैं, उनको वो टच भी नहीं कर पाते। लेकिन आलोक सर, मैं आपके पास अब आती हूं। आलोक जी, मुझे ये बताइए कि आपने सुना कि किस तरीके से फंसाया जा रहा है इस पीड़ित को, वो फंस चुका है लेकिन इसने हिम्मत दिखाई। तमाम साइबर एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जिसने हिम्मत दिखाई वो बच गए और जो डर गए वो फंस गए। तो ऐसे में साइबर डिपार्टमेंट, तमाम एक्सपर्ट कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसका कोई टेक्निकली एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, कैसे बचा रहे हैं लोगों को? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा मोबाइल फोन है वो काफी वल्नरेबल है। मोबाइल फोन के अंदर जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं
वो ऐप डाउनलोड करते ही उसमें परमिशन देनी पड़ती है कि तो आपका वीडियो कैमरा ऑन करना है, आपका और माइक्रोफोन ऑन करना है, तो वो सब आप परमिशन दे देते हैं और उसी की वजह से वो ऐप डाउनलोड होता है। या फिर आपको ये वेब पे कोई ब्राउजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी भी आपको एक एपीके बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो डाउनलोड कर देती है और फिर वो परमिशन आपको देने के लिए फोर्स करती है। तो वो परमिशन आप जैसे ही दे देते हैं तो आपका माइक्रोफोन जो तो आपका कैमरा है वो हैकर्स को या जो इस तरह के लोग हैं उनको एक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज है जो ये जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं उसमें जब आप कोई लिंक दबाते हैं तो उससे भी इस तरह के एपीके आ सकते हैं। तो मोबाइल फोन काफी वल्नरेबल है, पर मोबाइल आपको सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के कोई चीजें जो है वो क्लिक ना करें बिना किसी सुरक्षा के। तो अगर ये आपने क्लिक कर दिया तो नेचुरली फिर वो आपको आपका वीडियो ले सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं, आपको जो पोर्नोग्राफिक आप वीडियो देख रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको आपसे फिरौती लेते हैं या फिर आपको। तो बिल्कुल सही बोला कि इसको इस मामले को आपने रिपोर्ट करना है क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो लोग जो है वो इस चीज से शर्माते हैं, इस चीज से डरते हैं कि मेरी जो बातें हैं वो पब्लिक में चली जाएंगी या सोशल मीडिया में चली जाएंगी। तो उस वजह से उनको एक डर रहता है, उनको एक शर्म रहती है कि ये हमारा वायरल ना हो जाए। तो इस वजह से डरना नहीं चाहिए, उनको cybercrime.gov.in में रिपोर्ट करना चाहिए और इमीडिएटली जो अपना जो साइबर सेल है जो नजदीकी थाना है उसके लिए प्रूफ क्या मांगते हैं आप, प्रूफ क्या मांगते हैं आप? तो ऐसा है जो जो भी फोन आया है वो फोन या तो किसी ऑपरेटर के माध्यम से आया है या फिर वो किसी वॉइस ओवर आईपी के माध्यम से आया है। तो आज की डेट में साइबर क्राइम सेल पुलिस जो है वो सक्षम है कि वो वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क भी ट्रैक कर सकती है, ट्रेस कर सकती है और जो कॉल्स हैं जो कि ट्विटर के थ्रू तो जीएसएम कॉल होती है वो भी कर सकती है। हमें तो आईपी एड्रेस तक पहुंचना है जिस आदमी ने कॉल किया है, जिस लड़की ने कॉल किया है, जिसने जो रैंसम मांग रहा है उसके लिए पुलिस जो है वो पहुंच सकती है प्रोवाइडेड अगर हम रिपोर्ट करें। नहीं नहीं, इसमें सर नाम फेक, फोटो फेक, अकाउंट फेक, यूपीआई फेक, सब कुछ तो फेक है सर, तो इस फेक जाल में कैसे फिर असलियत बाहर आए? हाँ तो वो तो फेक ही बनाएंगे ना, तो कभी नाम से ही बनाएंगे, लेकिन जो ट्रैकिंग टूल्स है वो ट्रैकिंग टूल्स जो है वो जाके उस आईपी एड्रेस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि जहां से ये हुआ है। तो नेचुरली जो आलोक सर मैं आपका ऑडियो सही कराती हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, ये देश को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं क्लियरली सुनना चाहूंगी, हिंदुस्तान सुनना चाहेगा, तब ऑडियो ठीक कराती हूँ मैं तब तक। लेकिन रणवीर सर मैंने एक सवाल के साथ छोड़ा था, मैं बताती हूँ कि जो हमारी टीम ने एक हफ्ते कई घंटे लगातार और तमाम ऑफिसर से बात करके जो पाया कि क्यों जाने से डर रहे हैं, आपने एक तो खुद ही वजह काउंट कराई कि उतना सीरियसली इसको नहीं लिया जा रहा है, दूसरा कोई गया तो पुलिस ने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसको भी प्राइवेसी का भी डर था, अगर पुलिस स्ट्रांगली खड़ी हो जाती और ये कहती कि आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हम रिवील नहीं होने देंगे तो शायद वो हिम्मत कर लेता व्यक्ति, ऐसा सपोर्ट पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है इसीलिए कतराते हैं लोग। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पुलिस के पास, मैंने बताया था कि पुलिस के पास दूसरे जो हीनियस क्राइम है उनका बहुत भारी दबाव रहता है साइबर क्राइम में, जैसे लूट, डकैती, हत्या, किडनैपिंग, जो हीनियस क्राइम है उसके साइबर क्राइम के पास बड़ा दबाव रहता है। दूसरा मैंने बताया कि जो कंप्लेनेंट है वो थोड़ा सा टेक्निकली मजबूत होके नहीं आते, भाई फर्ज करो उसे दो चीज तो देनी है, नंबर एक तो कंप्लेंट और नंबर दो वो जो फेक नंबर जो भी उसके पास आया है, और नंबर तीन अपने किसी घर वाले की पोजीशन को साथ लेकर के वो खुल के साइबर क्राइम के या सेल के पास आए। तीसरी जो इसमें मैंने बताई जो रैंसम की ब्लैकमेलिंग जो है ये बहुत सख्त धारा है, वो ब्लैकमेलिंग क्लियर तरीके से बताए कि मेरे से इतना इतना पैसा ऐंठने की कोशिश की है या इतना पैसा ऐंठ चुके हैं, ये धारा एक्सटॉर्शन 394 की धारा है जिसके अंदर उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, आईपीसी की धारा है।
तो ऐसे केसेस में कंप्लेनर को पूरी मजबूती दिखानी है, पुलिस भी पूरी मजबूती दिखाएगी, बशर्ते वो टेक्निकली मजबूत होके अपने साथ आए कि भी मेरे साथ इन इन टाइमिंग के अंदर ये घटनाएं हुई हैं और इस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा है। अगर वो उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है तो और भी एक प्रूफ सामने आ जाता है। आमतौर पर जब ऐसे केसेस होते हैं तो अपने दूसरे किसी साथी की मदद लेके इस सारे गैंग की रिकॉर्डिंग भी ली जा सकती है। जो रिकॉर्डिंग उसके पास है वो रिकॉर्डिंग ले लो, रिकॉर्डिंग ले लो, उनके फेक आईडी जो नंबर है वो ले लो, प्लस अपनी एफआईआर जरूर रजिस्टर कराओ अपने किसी साथी के साथ, जिससे कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी उनके गिरेबान पे हाथ डालो। एफआईआर तो सर आप एविडेंस के आधार पर हम जानते हैं कि भारत में एफआईआर कितनी मुश्किल है कराना, आम इंसान जब पहुंचता है तो कितने चक्कर लगवाए जाते हैं एफआईआर के लिए, हमने ये देखा है। एक मिनट में मैं बात मानता हूँ, नहीं आप ऑनलाइन अपनी एफआईआर डाल सकते हैं 5 लाइन लिख करके कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, इन इन नंबरों से मेरे पास कॉल आई है, इन इन नंबरों से मेरे पास एक्सटॉर्शन हुई है, ये 3 बातों की एफआईआर दिलवा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन भेज दें, आप हमारे ईमेल पे भेज दें, हमारे 100 नंबर की ईमेल पे भेज दें और कंप्लेंट को किसी तरीके से एक बार उसमें रजिस्टर होते ही पुलिस एक्शन करेगी, हर हालत से करेगी, ढील नहीं बरती जाएगी। माना कि पुलिस, मैं ये भी मानता हूँ पुलिस बिजी है और दूसरे कैंप पुलिस क्या है ना कि कई लोगों को अभी तक ऑनलाइन नहीं करना आता है तो वो सीधे थाने पहुंचना चाहते हैं, वो सीधे थाने पहुंचना चाहते हैं। अरे भाई वो मैं उन्हें ये कहो सिर्फ 100 नंबर पे टेलीफोन कर ले। अच्छा ओके, 100 नंबर पे अपनी घटना की जानकारी दे दे, वो रजिस्टर हो जाएगी, हमारी कॉल वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, एक मिनट सर, यहीं से आगे बढ़ाती हूँ मैं बात को। तो आपने अब तक देखा कि ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का नया रैकेट चलाने वाला गैंग लोगों का शिकार कैसे करता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस 2 मिनट के वीडियो में ऐसा क्या होता है कि कोई भी ने पैसे देने को तैयार हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ये वीडियो का पूरा खेल क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, अब आपको यह भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। बेटा आपको पता है कि आपने नहीं किया, लेकिन आप दुनिया को कैसे बोलोगे कि तुमने नहीं किया? बोलो ये बताओ, डिलीट करवाना है वायरल। आपको पता है कि तुमने नहीं किया, लेकिन दुनिया को कैसे बोलोगे? ये एक ब्लैकमेलर लड़की की आवाज है जो पीड़ित को साफ साफ कह रही है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया को कैसे साबित करोगे? यही सवाल हर उस शख्स के जहन में गौंधने लगता है जो ऐसे ब्लैकमेलर के चंगुल में फंस जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जब किसी ने अश्लील हरकत की ही नहीं तो वीडियो में वो अश्लील हरकत करते हुए कैसे दिखाई दे रहा है, फर्जी अश्लील वीडियो का पूरा खेल आपको समझाएंगे। पहले सुनिए कैसे खुलेआम ब्लैकमेलर लड़की कबूल रही है कि वीडियो फर्जी तरीके से बना है। बेटा आपको पता है कि आपने नहीं किया, लेकिन आप दुनिया को कैसे बोलोगे कि तुमने नहीं किया? बोलो ये बताओ, डिलीट करवाना है वायरल। आपको पता है कि तुमने नहीं किया, लेकिन दुनिया को कैसे बोलोगे? हाँ डिलीट करवाना है, क्या चीज कर दीजिए आप, इसलिए तो मैं बोल रहा था आपको कि मतलब मैं ऐसी कुछ दिखा नहीं सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे फैमिली को। आपको अब भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता है कि तुमने नहीं किया, लेकिन अपनी फैमिली वाले को कैसे बोलोगे और परिवार को सबको कैसे बोलोगे कि दुनिया में जब ये वायरल होगा तुम ये बताओ, डिलीट करवाना है वायरल? डिलीट करवाना है, अगर डिलीट करवाना है तो पेमेंट करना होगा, नहीं तो मैं आपका इस वीडियो को सभी जगह पर वायरल कर रही हूँ। पैसे ऐसे तो नहीं है मैडम, अभी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा ही। आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, आपके बीवी बच्चे फैमिली वाले भी देखेंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी इस वीडियो को। पीड़ित को धमकाने वाले इस ऑडियो को सुनने के बाद इतना साफ है कि युवक को धोखे से जाल में फंसाकर उससे जबरन रकम वसूली जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बिना कुछ किए अश्लील वीडियो कुछ ही मिनट में तैयार कैसे हो गया, क्योंकि मोबाइल के सामने सिर्फ युवक का चेहरा था। जानकार बताते हैं कि ऐसा डीप फेक तकनीक की वजह से किया जाता है, जिससे किसी की आवाज और चेहरे तक को बदला जा सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो आज के युग का सबसे बड़ा, ह्यूमैनिटी को, सोशलिज्म को सबसे बड़ा थ्रेट उभर के आया है,
क्योंकि डीप फेक में होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से आपके फेस की जो फीलिंग्स हैं, फेस के इमोशंस हैं, आपका आवाज़ जो है वो डुप्लीकेट करके किसी नग्न पुरुष के ऊपर, किसी नग्न स्त्री के ऊपर बिठाया जाता है, या फिर आपके मुंह में वो संवाद, वो डायलॉग डाले जाते हैं जो आप बोल नहीं रहे होते, लेकिन आपकी आवाज़ सेम होती है। जितने पीड़ित अब तक सामने आए उनके वीडियो में अश्लील हिस्सा करीब करीब एक जैसा है, जिसे अलग अलग पीड़ितों के वीडियो से मैच कराकर उन्हें भेजा गया है। आखिर कैसे किसी शख्स के साधारण बातचीत के वीडियो को बदला जा सकता है या उसमें कोई नया वीडियो जोड़ा जा सकता है? और आइए अब हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये गंदा धंधा किस तरह से चलाया जा रहा है, इसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल होता है। दरअसल डीप फेक एक तकनीक है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और इसमें आपके चेहरे की जो फीचर्स हैं उसे सेव कर लिया जाता है। हम आपको एक ऐप के जरिए समझाते हैं, हम ये नहीं कहते कि इसी ऐप के जरिए ये गंदा धंधा चलाया जा रहा होगा, लेकिन इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस तरह से पीड़ित की तस्वीर व्हाट्सएप चैट के दौरान क्लिक की जाती है और चंद सेकंड में देखिए किस तरह से उसे व्हाट किसी भी वीडियो पर ओवरलैप किया जाता है। ये एक मूवी का सीन है जिसपे मैंने पहले से ही अपनी तस्वीर अपलोड कर रखी है और बस कुछ मिनटों में ही आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीर, इस चेहरे पर मेरी तस्वीर ओवरलैप हो जाएगी। तो मैंने जो अपनी तस्वीर इसमें पहले से अपलोड की थी, इस ऐप ने मेरे फीचर्स को ऐसे स्कैन किया और फिर इस एक्ट्रेस के चेहरे के ऊपर मेरा चेहरा ओवरलैप कर दिया गया, जिससे ये पहचानना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि ये वीडियो असली है या फिर नकली। आप देखिए वीडियो चंद सेकंड में ये वीडियो तैयार होता है और इसी तरह के ऐप का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप चैट के दौरान पीड़ित की फोटो क्लिक की जाती है और फिर किसी गंदे वीडियो में उस तस्वीर को फिट करके फिर ब्लैकमेलिंग का ये गंदा धंधा शुरू कर दिया जाता है। हालांकि जिस तेजी के साथ वीडियो पीड़ित को भेजा जाता है उससे अंदेशा है कि ऐसा डीप फेक तकनीक से ही मुमकिन है, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरह के ब्लैकमेलर्स के चंगुल में ना फंसे। कैमरामैन कलिकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24। ये फंसाने का फेक फंदा है और आपने जाना कि डीप फेक तकनीक क्या होती है। इस टेक्नोलॉजी को हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये खेल बहुत बुरा है, हमें आपको बचाना है, हमें आपको जागरूक करना है, आपको संभलना है। इसीलिए जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या बाद में जुड़ेंगे, ये पूरा ऑपरेशन ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट लगातार जारी है। फॉरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।